इसराइल ने खाई ईरान को खत्म करने की कसम। ईरान में पहले अंधेरा करेगा इसराइल, फिर करेगा मिसाइलों की बरसात। ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से दोनों ही देशों में कितनी भयानक तबाही मची होगी, दोनों ही देशों को कितना नुकसान हुआ होगा। बावजूद इसके दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसराइल ने जब से हिजबुल्ला के कमांडरों को खत्म किया है तभी से ईरान भड़का हुआ है और उसने इसराइल को खत्म करने की कसम खाई हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जब से नसरल्ला की जान गई है तभी से ईरान भड़का हुआ है, जबकि इन धमकियों के बीच इसराइल ने भी ईरान को खत्म करने का ऐलान कर डाला है। यहां तक कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी उसी के बाद से इसराइल और बौखलाया हुआ है। लेकिन अब खबर यह है कि इसराइल ईरान को बड़ा जवाब देने वाला है। इजरायली सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इसराइल कोई बड़ा और जोरदार हमला ईरान पर कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है, मतलब कि ईरान को जवाब देने के लिए इसराइल कोई भयानक और तगड़ा प्लान बना रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईरान पर इसराइल टारगेट अटैक कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है, और तो और इस हमले के तहत इस्लामिक मुल्क के पावर स्टेशनों पर अटैक किया जा सकता है, और ऐसा हुआ तो ईरान के बड़े इलाके में अंधेरा छा सकता है और ऐसी स्थिति में इसराइल की तरफ से हमले और तेज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जाने लगा है कि इसराइल की तरफ से ईरान के तेल उत्पादन वाले ठिकानों पर भी बड़ा अटैक किसी भी वक्त किया जा सकता है, और अगर ये हकीकत में हो गया तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर इसराइल ने जवाबी हमला किया तो हम इसराइल के ज़रूरी ठिकानों को टारगेट करेंगे, जिससे इसराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसराइल ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उस पर किसी भी तरह का हमला किया तो फिर उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इसराइल की जवाबी कार्रवाई का डर ईरान को पहले से ही है, यही वजह है कि उसके शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खमेनाई बंकर में हैं और वहां से वो इसराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसराइल भी ईरान को लगातार धमकी दे रहा है। बता दें आपको, हिजबुल्ला पर किए गए अटैक के बाद से ही ईरान इसराइल पर भड़का हुआ है और इसी वजह से वो इसराइल को लगातार धमकी भी दे रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से एक होने की गुजारिश भी की है ताकि इसराइल पर मिलकर हमला किया जा सके। लेकिन इधर एक बात ये भी बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग का खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है और आम जनता ही इनके चंगुल में फंस गई है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग का अंत कब और कैसा होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।